ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स 4.6 एक्सरसाइज चल रही थी, तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 2। और आज आपको हम आवयव विधि से सवालों को हल करना बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये कहेगा कि आवयव विधि से हल करो। हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यानी 2 समीकरण या 3 समीकरण दे रखी होंगी। 3 समीकरण का सवाल आएगा आपका, 8 नंबर का। 2 समीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक आवयव बनाना है, फिर उसका ए इनवर्स निकालना है। जो ए इनवर्स आ जाए तब आपका एक्स बराबर क्या कर देना है आपका, जैसे कि नॉर्मली ये समीकरण किस में होता है, ए इंटू एक्स बराबर बी, इस तरीके से होता है। जब ए को इधर ले जाते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी, इस तरह से ये आप निकालते हो, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये ए बी क्या है, ए इनवर्स क्या है, यहाँ से समझो जरा। इस रूप में रखना होता है हमको, ठीक है। सबसे पहले ये समीकरण आपको दे रखी होंगी 2, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ से ए, एक आवयव बनाना है। कैसे, एक्स का गुणांक कितना है, 5 है, वाई का गुणांक कितना है, 2 है। यदि और जेड होता तो यहाँ पर और लिख देते, लेकिन यहीं पर ख़त्म। दूसरी समीकरण क्या है, 7 है और ये 3 है, यानी कि x का गुणांक 7, y का गुणांक 3, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर हम यहाँ से x निकालेंगे, x, ये समीकरण किस रूप में दे रखी है, x y में दे रखी है, x y, z होता तो नीचे लिख देते, ठीक है। और ये समीकरण किसके बराबर दे रखी है, 4 और 5, तो पहला 4, दूसरा 5, और कोई तीसरी समीकरण होती तो नीचे लिखते चले जाते। तो ये समझ में आ गया, ए निकालना, एक्स निकालना, बी निकालना, ये पुरानी वीडियो में भी आप सीख चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, याद हो तो, ए इनवर्स निकालने का होता है 1/a का मॉड इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ए, ये होता है, ठीक है। चलिएगा, पहले यहाँ से हम नॉर्मली ए का मॉड निकाल ले रहे हैं। ए का मॉड कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 × 15 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 × 2 = 14 है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में एड जॉइंट भी निकालेंगे, एड जॉइंट ए। एड जॉइंट ए कैसे निकलता है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम का इन दोनों का कैसे निकालते हैं, एड जॉइंट ए 2/2 का, इन दोनों के साइन बदल देते हैं, सॉरी इन दोनों का स्थान बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5 की जगह, 3 की जगह पर 5 आ जाएगा, यानी कि ये 5 था तो यहाँ पर 3 पहुँचा दिया और 3 की जगह पर हमने 5 कर दिया। इन दोनों के साइन बदल देते हैं, इन दोनों के साइन बदल देते हैं, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ वालों के साइन चिन्ह बदल दिए, माइनस का होता तो प्लस कर देता, ये चीज़, तो ये एडजॉइंट निकल आया 2/2 का, ठीक है। तो अब हमारे पास में ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, 1/a का मोड एडजॉइंट ए, इस तरह से 1/1, क्यों, क्योंकि ए का मोड जो है वो 1 है और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3 − 2 − 7 − 5, ये है। तो कुल मिलाकर 1/1 की तो कोई वैल्यू रही नहीं, सीधे सीधे ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 − 2 − 7 − 5, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, इतना आ गया, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक सब ईजी है, पहले मैंने सिखा चुका हूँ। हालांकि 2/2 के, 3/3 के सारे इनवर्स निकालने मैंने पहले बता दिए हैं, सारा समझाया था, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास तरीका क्या था, सूत्र किस में रखेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इस रूप में लिखेंगे। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है एक्स वाई, ये रहा एक्स, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स की वैल्यू है 3 − 2 − 7 − 5, ये है, इनटू, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 और 5, इस तरह से। तो एक्स वाई ये वैल्यू किस तरह से निकाल लेंगे, अब हम देखिएगा ध्यान से, इनकी गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, इस तरीके से। तो इस दोनों मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12, 2 × 5 = 10, इस तरह से। ऐसे ही −7, 7 × 4 = 28, 5 × 25 प्लस का 25, ये आ जाएंगे। तो एक्स वाई ये इस तरह से, और ये 12 में तो 10 जाएंगे तो माइनस के, सॉरी 12 में 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे,
और ये माइनस का 3 बचेंगे, ठीक है, माइनस का 28 प्लस का ये। अब यहाँ से देखेंगे x की जगह पर क्या आ रहा है, तुलना करेंगे तो देखिए ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर -3, ये आपके आंसर आ चुके हैं। इसी तरीके से सारे सवाल करने होंगे, ठीक है, चलिएगा। क्लियर आई बात समझ में? नहीं आई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सातवां सवाल मैं आपको देता हूँ, तो आपको देखिए किस तरीके से करोगे। सातवां सवाल मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। सातवां सवाल है, सॉरी, ये वाला, ये जो हमने कराया ये सातवां ही सवाल था। अब आठवां देख लीजिए, आठवां, ये जो अभी हमने ये सवाल कराया ये सातवां ही था, ये अब आठवां मैं आपको लिख रहा हूँ। 2x माइनस वाई बराबर 2, माइनस 2, ठीक है, और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 3, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। यहीं से देखिएगा आपको सिंपल तरीके, जो जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ से बदलते चले जाना है, और कोई भी, देखिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ देखिए, मैंने सवाल आधा का आधा मैंने मिटाया, आधा वही छोड़ दिया, देखिए, और देखो इसको भी मिटा दे रहे हैं। यहीं से देखिए सारी चीज़ यहीं से हो जाएंगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए निकालना है। ए कहाँ से निकलेगा, ये एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक यहाँ पे माइनस का 1, केवल माइनस है तो माइनस का 1, एक्स का गुणांक कितना 3 है, वाई का गुणांक यहाँ पे कितना 4 है। एक्स बराबर किस रूप में दे रखी है समीकरण, एक्स और वाई में, एक्स वाई, और बी बराबर, बी बराबर कैसे निकालेंगे, ये माइनस 2 और 3, बी का मान माइनस 2 और 3, एक्स वाई में समीकरण दे रखी है एक्स वाई, और ये एक्स का गुणांक ये, ठीक है, समझ में आई बात, बात वही है, 2 3 माइनस 1 4, 2 3 माइनस 1 4, इस तरीके से। अब ए का क्या निकालना है, हमको मॉड निकालना है। ए का मॉड कैसे निकलेगा, तरीका आपको बता ही रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 2 8 माइनस, तीन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तीन की मल्टीप्लाई माइनस एक में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 1 ऑलरेडी है, प्लस का 3 हो जाएगा, 8 3 11 है, इतना आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो डायरेक्टली निकल जाता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, इनके चिन्ह बदल लेते हैं, सॉरी इनकी जगह बदलेंगे पहले, तो 2 की जगह पर 4 आ जाएगा और 4 की जगह पर 2, ठीक है, 4 2, और इनके चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली 1, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये, ठीक है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन मॉड ए का वैल्यू इतनी, और ये आ गया 4 1 माइनस 3 2, चलिएगा इतना ही रहने दीजिए, इसको 1 अपॉन 11 को इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधे सीधे हम इस समीकरण से इसका हल करते हैं, x बराबर, x की वैल्यू इतनी, a इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 11, और a कितनी है 4 1 माइनस 3 2, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 3, 1 अपॉन 11 है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 4 2 8 माइनस के 8, 1 3 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस का 6 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर बात कितनी आएगी, कितना माइनस का 5 आ जाएंगे, और 6 2 12 है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बट्टे 11, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 बट्टे 11, समझ पाए इतने। इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दी, 4 2 8 माइनस का 8, 1 3 3, 3 2 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 2 3 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 5 6 6 12 हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 11, 11 का भाग कर देंगे इतना इतना आ गया, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब ये एक्स बराबर माइनस का 5 बट्टे 11 और वाई बराबर 12 बट्टे 11 है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है, चलिएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, इस तरीके से सारी चीज़ निकल आए हैं। ऐसे ही नौवां सवाल देखेंगे, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से जल्दी लीजिएगा, क्योंकि आगे का सवाल मुझे कराना है, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका बट्टे में उत्तर नहीं आएगा, बिल्कुल बट्टे में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया, और ये देखिएगा,
अगला सवाल हम अभी कराते हैं आपको, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा, इसके ये तो एक्स वाई रहेगा, ठीक है, ये देखिएगा। अब देखो और जल्दी सवाल कर दूंगा मैं। तीसरा सवाल, 4x-3y, 4x-3y बराबर 3, ये नौवां सवाल है। और 3x-5y, 3x-5y बराबर 7, ये है। इस सवाल को ज़रा ध्यान से समझो, वही चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आव्यूह बनाना है। x का गुणांक यहाँ पर 4 है, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 3 है, y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 5 है, और भी कुछ नहीं है। समीकरण एक्स वाई में दे रखी है, एक्स वाई इधर क्या दे रखा है, 3 और 7, 3 7, इस तरह से, ठीक है। a का मॉड निकालेंगे, a का मॉड कैसे निकलता है भाई, आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 × 5 = 20, माइनस का 20 हो जाएगा, फिर माइनस, 3 × 3 = 9, माइनस का 9 आएगा लेकिन ये प्लस का 9 हो जाएगा, टोटल मिला के ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 11 आ गया, ठीक है। एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, इन दोनों का चिन्ह बदल दो, सॉरी जगह बदल दो, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, इनके साइन बदल दो, ये माइनस का 3 है प्लस का 3, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, ठीक है, चलेगा। 1 अपॉन A इनवर्स निकालेंगे कैसे, 1 अपॉन ये क्या है, मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11 है, और एडजॉइंट की वैल्यू माइनस का 5 3, माइनस का 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इस समीकरण में रखेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 11 है, और ये है माइनस का 5, माइनस का 3 3, और ये 4, ये आ गया। और बी की वैल्यू 3 और 7 है, 3 और 7, ये बी की वैल्यू, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए माइनस 1 अपॉन 11 इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को ऊपर वाली लाइन में लगा दिया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 = 15, माइनस का 15 आ जाएगा, 3 × 7 = 21, प्लस का 21 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, माइनस का 9 आ जाएगा, 4 × 7 = 28, ये आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब आगे देखेंगे, माइनस का 1 अपॉन 11 रहेगा, ये कितना आ जाएगा, 15 और 6 = 21 होते हैं, तो 6 बचेंगे, और 28 में से 9 जाएंगे तो 19 बचेंगे, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, ये प्लस के 19 बचेंगे, क्योंकि ये माइनस का 1 अपॉन 11 है, जब इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 6/11 हो जाएगा, ये माइनस का 19/11 हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लो उत्तर कुछ अटपटा सा आ रहा है, घबराओ नहीं, आप बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट चीज़ों को सही तरह से अप्लाई करोगे, उत्तर भी सही आएगा, पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी चीज़ नहीं कटेगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे एक और सवाल कराता हूँ आपको, बहुत ही बेहतरीन सा, जल्दी से इसका उत्तर ले लीजिएगा, ठीक है, ये समझ में आई, चलिएगा। अब आगे हम एक और सवाल कराते हैं आपको, 10वां सवाल कराएंगे, एक सवाल और, ये भी 2x2 का ही है, उसके बाद में आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। ये भी आपका 2x2 का ही है सवाल, चलिएगा, ये समीकरण बदलेगी बस, देख लो इतने ही स्टेप में उत्तर आ जाएगा आपका, देखिएगा। समीकरण क्या दे रखी है, 5x+2y, 5x+2y बराबर 3, और दे रखा है 3x+2y बराबर 5, 3x+2y बराबर 5। चलिए ये वाला सवाल है आपका 10वां, ठीक करते हैं, देखिएगा। आपको x का गुणांक 5 है, नीचे x का गुणांक 3 है, इधर y का गुणांक 2 है, इधर y का गुणांक 2 है, x y आ जाएंगे ये 3 और ये हो जाएंगे 5, ठीक है। ये निकालेंगे, 5 × 2 = 10, माइनस 3 × 2 = 6, 10 में 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे क्या, इनको चेंज कर दो, 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर, इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा।
इसको करेंगे तो 1/4, और ये यहाँ पे 2 - 2 - 3 और ये 5 ये आ जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? ठीक है, चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। 2 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1/4 ये वैल्यू यहाँ पे ए इनवर्स की रख देंगे। ए इनवर्स की वैल्यू 2 - 2 -3 5, बी की वैल्यू कितनी है 3 5 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1/4 रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 2 3 6, 2 2 5 10 -10 आ जाएगा, 3 3 9 -9 5 25 आ जाएंगे, और 10 में से 6 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 और 9 25 होते हैं, 16 बचेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब 4 का देखिए, 1/4 है ये, 1/4 का यदि भाग करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 4 6 16 इतना, तो x बराबर -1 y = 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको 2 बाई 2 के तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हर चीज़ आपको वेरिएबल, हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब आपका आता है 3/3 का। ठीक है, चलिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 3/3 के में भी वही चीज़ है, वही चीज़, बशर्ते क्या चीज़ है इसमें, चलो 3/3 का अगली वीडियो से अगला एक वीडियो बनाएंगे 3/3 के, उसमें समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्या करना है आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ए इनवर्स निकालना जरा सीख लेना 3/3 मैट्रिक्स का किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि इसमें ए इनवर्स बहुत बड़ा निकलेगा। ठीक है, चलिएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना।